जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। आप इस बारे में क्या कहेंगे? सर, ये काफी समय से जो है तेजारा में लाइट की समस्या चल रही है, जिससे किसान काफी परेशान है। उसी को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है और हम लोग सरकार से ये विनती कर रहे हैं कि किसान जिस तरीके से परेशान हो रहा है लाइट की वजह से, जो सरसों वगैरह में काफ़ी नुकसान हुआ है, उसका भी मुआवजे के लिए हम लोगों ने आज बात रखी है। और प्रशासन को पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में अवगत कराया था, तो आज हमारे साथी आम आदमी पार्टी के इसी को लेकर अध्यक्ष साहब यहाँ पर ज्ञापन सौंपाया। और हम सरकार को ये भी अवगत कराना चाहते हैं कि किसानों के साथ में पिछले प्याज की फसल भी काफ़ी नुकसान हो गया था, उसी वजह से गेहूं की फसल में भी अब नुकसान हो रहा है और सरसों की फसल में भी लगभग 70% का नुकसान है। उसी लिए को लेकर हम लोग सरकार को अवगत कराना चाह रहे हैं एकदम माध्यम साहब के साथ में, तो उसी के संदर्भ में आज आम आदमी पार्टी यहाँ पर ज्ञापन सौंपा। ये सरकार चाहती है कि आप लोग लाइट काटने के बाद अब ये लोग चाहते हैं कि सरसों की फसल भी खराब हो जाए और गेहूं की फसल भी खराब हो जाए। उसी को लेकर आज ये सरकार को हम लोग यहाँ पे साथ में बैठ के एक ज्ञापन देना चाह रहे हैं और किसानों के एक आवाज को लेके हम लोग सरकार को चाहते हैं कि किसानों को परेशान करना बंद करे, क्योंकि जो पिछले दिनों में हमारा ये क्षेत्र है, ये किसान प्रधान क्षेत्र है, यहाँ पे बिना जो परेशान आज भी 70% लोग एक खेती पे ही निर्भर करते हैं। आज उसी को लेकर हम लोग सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो हम लोग अभी एक नारा लगाएंगे, सब लोगों से उम्मीद है कि आप उस नारे में अपना सहयोग करें। इंकलाब, इंकलाब। तो उसी के लेकर आज ये किसान और युवा साथी मिलकर आज यहाँ पे धरने पर बैठे हैं। खास तौर पर जैसे अभी फसल में सरसों के फसल में भी काफ़ी नुकसान हुआ है, जो ये धुंध पड़ रही थी, जिसकी वजह से हम लोग चाहते हैं कि किसानों के साथ में पिछली बार भी प्याजों में काफ़ी नुकसान हुआ था, उसका भी सरकार को कोई अभी तक इल्म नहीं है कि पिछली बार जो प्याजों में जो नुकसान हुआ उसी तरीके से अब सरसों में भी नुकसान है। और उसी को लेकर आज हम SDM साहब के यहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं, हमारी मांगे ही हैं जब तक इस मांगों को पूरा नहीं करेंगे। सरकार को हम लोगों ने पहले भी कई बार अवगत करा दिया था, हमारा प्लान था ये कि अगर सरकार इसको सुनवाई कर देती है, कल 26 जनवरी है, इसलिए हमारा धरना प्रदर्शन नहीं रहेगा, तो नहीं अदरवाइज ये धरना प्रदर्शन कंटिन्यू रहेगा। और लाइट ना आ रही, सुबह उठे मुँह को पानी भी ना मिले करो ठंडा से, ठीक है धन्यवाद। मंच है आम आदमी का मंच है, इस मंच पर सबका स्वागत है। मेरे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी यहाँ आए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। जातिवाद से, जातिवाद से, भ्रष्टाचार से, हिटलर चाहिए से, ताला चाहिए से, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, इधर से भी चाहिए, उधर से भी चाहिए, हिटलर चाहिए से, जातिवाद से, जातिवाद से। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।